मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्लीज सिट डाउन। 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी का दिन था। आज़ादी के साथ ही हमने आर्थिक विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया। पंचवर्षीय योजनाओं के 3 प्रमुख लक्ष्यों में से 2 लक्ष्यों का अध्ययन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। भारत का आर्थिक विकास कैसे हो, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे हो, इन दोनों के बारे में हम अध्ययन ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ टुडेज पॉइंट इज, जो हमारा आर्थिक विकास हुआ है, उस आर्थिक विकास के फल को किस प्रकार हैव्स एंड हैव नॉट्स में बांटा जाए ताकि आय की असमानता कम हो। आर्थिक विकास के साथ ही आय की असमानता को भी कम करना हमारे संविधानकर्ताओं का प्रमुख लक्ष्य रहा है। आय की असमानता कम करने के विभिन्न प्रयोग समय समय पर किए गए हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। और आपका चमकता हुआ चेहरा यह बता रहा है कि केस स्टडी जिसमें हम लर्नर्स सेंटर, इस पर्टिकुलर केस स्टडी में आप लोग खुद इतना विश्लेषण कर लेंगे और उसके बाद अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा ये हमें दिखाएंगे कि आप वास्तव में डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, ना कि हम आए और आपको लेक्चर दिया, आपने नोट डाउन किया और खत्म। तो इसको प्रारंभ करने के लिए हम सबसे पहले चाहेंगे कि आपकी क्लास समान ग्रुपों में विभाजित हो जाए। तो अब आप लोग अपने आप को समान समूहों में विभाजित कर सकते हैं। प्रारंभ। सारे अच्छे बच्चे एक ग्रुप में जा रहे हैं। सर मुझे तो अपने ग्रुप में किसी ने रखा ही नहीं। सर लड़के और लड़कियां अपना अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। सर समय हाथ से निकलता जा रहा है, आप ही ग्रुप डिवाइड कर दीजिए। तो इसका तात्पर्य है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी क्लास में इंटरफेयर करूं और आप लोगों को समान समूह में विभाजित करूं। सर क्लास मॉनिटर, कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? 35। बॉयज कितने हैं? 23। गर्ल्स? 12। 35 बच्चों को हम 7 समूहों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक समूह में 5 बच्चे होंगे, जिनमें से 2 लड़कियां। हमारा प्रयत्न रहेगा कि हर ग्रुप में जरूर रहें। तो मैं आपकी लिस्ट के हिसाब से आप लोगों का नाम पढ़ूंगा, आप लोग अपने आप अपने ग्रुप में विभाजित हो जाएंगे। साथ ही कैप्टन्स, हर ग्रुप अपने कैप्टन्स का चुनाव खुद करेगा। ग्रुप 1 में रहेंगे अमन वर्मा, अभिनव, ओम प्रकाश, नेहा, सोनम। और आखिरी ग्रुप में रहेंगे विक्रम लाल, अंशुमान, अभिषेक एंड प्रशांत। आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपने आप को ग्रुप में व्यवस्थित कर लें और जैसा कि हम लोगों ने डिस्प्ले किया है उसी के नीचे आप लोगों का ग्रुप आना चाहिए। आपको समय दिया जाता है, आप सीट को अपने हिसाब से डेस्क को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिया गया है 1 मिनट। लेट अस सी। तो आप केस स्टडी को प्रारंभ करने का समय आ गया है। मैं देख रहा हूं कि आप सब अपने अपने समूहों में व्यवस्थित हो चुके हैं। अब मैं आप सबको एक एक फोल्डर दूंगा। इस फोल्डर में 5 प्रतियां केस स्टडी की हैं और 2 पन्ने हमने कलर्ड रखे हैं जो कैप्टन्स के पास रहेंगे। आप लोग अपने समूह में चर्चा करके जो भी बिंदु बताना चाहें अपने कैप्टन को बता दें और वो प्रेजेंटेशन में उन बिंदुओं का इस्तेमाल करेगा।
करने के तैयार हैं। सरकार सदन उनके विकास के जीवन के स्तर को बनाने के लिए बुला रही है। इन राष्ट्र संस्थाओं को दिए गए इस राष्ट्र से विकलांग विकलांग व्यक्तियों को विशेष प्रकार जीवन को सम्मानजनक तरीके से व्यतीत कर सकें यहाँ से यहाँ तक इसका नोट कर रहे हैं। और भी संस्थाएं हैं जो उनको विभिन्न प्रकार की योजनाएं हम लोग खेल खेलते हैं गेम खेलते हैं तो उनको भी होना चाहिए सिंगिंग के लिए होना चाहिए। निजी अस्पताल में उनके इलाज होना चाहिए और कभी कभी रहता है कि पहले इंसान आप लोग बीमा नहीं करते तो कोई इलाज नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंग कटवाने भी पड़ जाते हैं इसीलिए विकलांग हो जाते हैं। इसीलिए अस्पतालों को आदेश देना चाहिए कि वो इलाज पहले करें। विकलांग मानसिक रूप से चोट जो विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांग शब्द का प्रयोग ना करके जो ये अन्य सक्षम अन्य रूप से सक्षम व्यक्ति का उसके लिए हस्तकारी और दस्तिल बाज के प्रशिक्षण योजनाएँ चलाई जाती हैं
जिससे कि वो अपने जीवन स्तर को उठा सके और अपना जीव को पाचन खुद करके आत्मनिर्भर बन सके। पर इस मतलब इन योजना तो आप सबका टाइम अप हो चुका है। आई होप यू मस्ट हैव डन योर वर्क। और मैं चाहूँगा कि आप सारे कैप्टन्स अपनी पोजीशन ले लें ताकि एक एक करके प्रेजेंटेशन शुरू किया जा सके। तो अब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रथम ग्रुप के कप्तान अमन वर्मा को बुलाना चाहूँगा कि वो यहाँ आए और अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। अमन वर्मा, आपका टॉपिक क्या होगा? विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास तथा विकास। स्टार्ट कीजिए। मैं अमन वर्मा, मेरे चर्चा का विषय है विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास तथा विकास। एक व्यक्ति जो शारीरिक तथा मानसिक रूप से कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता है उसे विकलांग कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की विकलांगता उसके जीवन, व्यवसाय तथा विकास को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है। सभी लोगों के लिए आवास एक आवश्यक मूलभूत आधार है। जीने का सही तरीका ही लोगों को एक दूसरे से अलग करती है। विकलांगता दो प्रकार की होती है, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता, वह व्यक्ति जो किसी कार्य को शारीरिक रूप से करने में सक्षम न हो उसे शारीरिक विकलांगता कहते हैं। मानसिक विकलांगता, वह व्यक्ति जो किसी कार्य को मानसिक रूप से करने में सक्षम न हो उसे मानसिक विकलांगता कहते हैं। EHS डाटा के अनुसार हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो विकलांग होने के बावजूद भी ऐसे कारनामे किए हैं जिससे विश्व में नाम कमाया है। भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में 3% की छूट मिलती है तथा अन्य छूट जैसे स्कूल में शिक्षा, पढ़ने हेतु विशेष सुविधा, यातायात साधनों में छूट, आर्थिक सहायता राज्य प्रदान करना, जिससे विकलांग व्यक्ति अपना पुनर्वास तथा विकास कर सके। हम लोगों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनकी मदद करनी चाहिए जिससे उन्हें यह न महसूस हो कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है या उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत में कुल जनसंख्या के आधार पर विकलांगों की संख्या 2.21% है, जिसमें पुरुषों की संख्या 2.41% तथा महिलाओं की संख्या 2.01% है। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं दूसरे ग्रुप से कप्तान को बुलाना चाहूंगा। कुंवर प्रताप, आप आइए और अपना प्रेजेंटेशन दें। मैं और मेरे समूह के साथियों ने ऐसे विकलांगों की सूची बनाई है जिन्होंने विकलांग होते हुए भी ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो हम हष्ट पुष्ट होते हुए भी नहीं कर सकते हैं। इस उदाहरण की सूची में पहला नाम आता है स्टीफन हॉकिंग का। ये देखिए, इंग्लैंड में जन्मे स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र में पूर्णतः विकलांग हो गए। उसके बावजूद ये लगातार खोजें कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक खोजें। इन्होंने जल्द ही कुछ दिन पहले कहा है कि जो गॉड्स पार्टिकल वैज्ञानिकों ने खोजा है इनमें इतनी ऊर्जा है कि पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हैं। और इसी सूची में अगला नाम है ऑस्कर पिस्टोरियस का। साउथ अफ्रीका में जन्मे ऑस्कर पिस्टोरियस दुनिया के महान धावक हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक में ही नहीं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर विकलांगों के दुनिया में और साउथ अफ्रीका का नाम बहुत ऊपर तक रोशन किया है। इसी सूची में अगला नाम है अरुणिमा सिन्हा का, जो कि भारत के अम्बेडकर नगर की हैं। इनको चलते ट्रेन से गुंडों ने फेंक दिया जिसके कारण ये देखिए इन्हें चोट लगी और इन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया। उसके बावजूद इन्होंने कठिन परिश्रम कर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिखाया। और इसी सूची में अगला नाम है लुई ब्रेल का। पेरिस में जन्मे लुई ब्रेल पूर्णतः दोनों आंखों से दृष्टिबाधित थे। दृष्टिबाधित होने के बावजूद इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की और दृष्टिबाधितों को शिक्षा का एक नया उपहार दिया, जिससे आज भी हमारे हजारों और लाखों की संख्या में दृष्टिबाधित भाई बहनें शिक्षा ले रही हैं और अपने क्षेत्र में आगे तक काम कर रही हैं। और इसी क्रम में अगला नाम है जेसिका कॉक्स का। इनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। इनके हाथ दोनों कंधों से नहीं है, उसके बावजूद ये पायलट हैं। ये अच्छी ड्राइंग करती हैं, पेंटिंग बनाती हैं और एक अच्छी स्पीकर हैं। इन सभी उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है जिन्हें हम विकलांग समझकर कि जिन लोगों को हम लंगड़ा, विकलांग, लूला इत्यादि कहकर संबोधित करते हैं वो लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अरुणिमा सिन्हा ने विकलांग होते हुए माउंट एवरेस्ट जैसी सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर दिखाया, उसको हम नहीं कर सकते। हमारे आस पास ही कुछ भाई ऐसे हैं जो हष्ट पुष्ट होते हुए भी 2-4 किलोमीटर चलकर थक जाते हैं और थक के बैठ जाते हैं। तो विकलांग कौन है? वो कि जो विकलांग, जिसे हम विकलांग कहते हैं वो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन्हें हम विकलांग, लंगड़ा, लूला इत्यादि न कहकर हम इन्हें अन्य रूप से सक्षम कहकर इनका आदर और सम्मान बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।
क्या टॉपिक होगा आपका? जीवन की गुणात्मकता। स्टार्ट कीजिए। मैं नीलू, मैं आप सभी को जीवन की असली गुणात्मकता के बारे में परिचित कराऊंगी। जीवन की गुणात्मकता का तात्पर्य है विकलांग व्यक्तियों के जीवन, कष्ट भरे जीवन को सरल बनाना। एक अच्छा तथा गुणात्मक जीवन हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करना, रोजगार प्राप्त करना तथा अन्य आवश्यकता की चीजों को प्राप्त करना आवश्यक है। जीवन की गुणात्मकता का तात्पर्य एक ऐसी जीवन शैली से है जो इस केस स्टडी के अनुसार विकलांग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कार्य करने में अक्षम है उनको इस आधुनिक काल में जो आधुनिक युक्तियां हम लोग को मतलब ज्ञात है उनके बारे में परिचित कराएंगे। विकलांगता कई प्रकार से होती है जिससे वे जूझ रहे हैं। हम उनके अंदर घुटन और दर्द को महसूस नहीं कर सकते लेकिन उनके लिए कल्याणकारी कदम उठा सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं उनके लिए सहायक यंत्र उपलब्ध करवाकर जैसे व्हीलचेयर, ई रिक्शा और टॉयलेट सीढ़ियों का निर्माण करवा करके, जिससे विकलांग व्यक्ति जो कार्य कर पाने में अक्षम है वे अपने आप को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से किसी से कमतर ना समझें। धन्यवाद। वेरी गुड, आपने बहुत ही खूबसूरती से विकलांग लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित किया। Yes, आप थैंक यू सर। ग्रुप नंबर 4, अमित तिवारी आप आइए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। अमित तिवारी, आपके टॉपिक का नाम? सर, राष्ट्रीय स्तर के संस्थाएं। राष्ट्रीय स्तर की वो संस्थाएं जो विकलांग बच्चों की मदद करती हैं, जिनमें पहले नंबर पे NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, इसकी स्थापना सन 1984 में हुई। यह मनोविकास नगर अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें मानसिक रूप से बीमार बच्चों को लिया जाता है और उनका इलाज किया जाता है जिससे वे अपना जीवन सुख में बिता सकें। इसमें सब इसका मेन सेंटर न्यूडेल्ही में है। और दूसरी संस्था है NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप, इसकी स्थापना सन 1943 में हुई। यह 116 राजपुर रोड उत्तरांचल में है। इनमें उन व्यक्तियों को लिया जाता है जिनके पास आंखें नहीं होती या जो आंखों से कम देख पाते हैं, उनका इलाज किया जाता है और उन्हें बेहतर जीवन जीने का सिखाया जाता है। और तीसरी संस्था है अली यावर जंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेयरिंग हैंडीकैप, ऐसे बच्चे जो कि सुन नहीं पाते या उनके कान खराब होते हैं उनका इलाज किया जाता है और इसकी स्थापना सन 1983 में हुई थी। यह जो बच्चे अपने सम्मान के साथ नहीं जी पाते और उन्हें अच्छे से जीवन सिखाते हैं, उनका अच्छी तरह से इलाज करते हैं। और चौथी संस्था है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप, ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, उनके पैर नहीं होते हैं और वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाते हैं, ऐसी संस्था उन्हें व्हीलचेयर, ट्राई साइकिल्स देती हैं। और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। यह विष्णु दिगंबर मार्ग पर न्यू दिल्ली में स्थित है। धन्यवाद। वेरी गुड, तो काफ़ी जानकारी आपने प्रदान की हमारे बच्चों को भी, और इससे पता चलता है कि किस प्रकार हम फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों को भी एक अच्छा अवसर प्रदान करा सकते हैं। तो अब मैं सब ग्रुप 5 के कप्तान संचित कुमार को बुलाना चाहूंगा कि वो आए अपना प्रेजेंटेशन दें। क्या टॉपिक होगा आपका? सर, मेरा टॉपिक है सरकार द्वारा अन्य रूप से सक्षम लोगों के पुनर्वास के लिए और क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। वास्तव में जमीनी स्तर पर जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कराई जाती है, जैसे कि व्हीलचेयर हुआ, कृत्रिम अंग हुआ, जो उनको विकलांगों लोगों को देने के लिए सहायता प्राप्त कराई जाती है, उनको हमारे देश के भ्रष्टाचारी ये बिचौलिए बीच में ही हजम कर लेते हैं। इसके लिए जो कड़े कानून बने हुए हैं, सरकार को उनको सख्ती से लागू करना चाहिए और इन बिचौलियों का सख्त सख्त और तुरंत से तुरंत इनका सफाया करना चाहिए, जिससे कि जिनको इसकी आवश्यकता है या उन तक पहुँच सके। दोस्तों, हम अपने घरों के आसपास के अस्पतालों में देखते हैं कि अगर हमारे भाई बहन या किसी अन्य लोगों का भी एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो अस्पताल जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, तो उनसे पहले डॉक्टर बोलते हैं जाके इतने लाख रुपए लेकर आओ, फीस जमा करो, तब तुम्हारा इलाज हो पाएगा। अगर आपके पास तुरंत रुपए उपलब्ध नहीं है और आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ लेट लगेगी, आपको 3-4 घंटे अगर हो गए देर, उसके बाद आपके शरीर का कोई भी अंग या कोई भाग काट दिया जाता है और आप विकलांग हो जाते हैं। इसलिए सरकार को इन अस्पतालों को सख्त आदेश देना चाहिए कि ये तुरंत इसका इलाज करें और मुफ्त इलाज करें, जिससे जिसके पास अगर धनराशि वहाँ पर उपलब्ध ना हो तो उसका कोई भी शरीर का भाग नहीं काटा जाए, कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, अपने घरों के बाहर
देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, सड़कों के किनारे देखते हैं, अनुरूप से सक्षम भाई लोग बैठे रहते हैं, उनके पहनने के कपड़ा नहीं होता, खाने के भोजन नहीं होता और रहने को छत नहीं होती। हम लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार को उनके लिए पहले उचित रोजगार दिलवाना चाहिए और उनको पहनने का कपड़ा, खाने का भोजन और रहने को छत दिलवानी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है, उनको भी भगवान ने इंसान बनाया है। हम लोग दोस्तों देखते हैं, हम लोग तो जीना सीढ़ी चढ़ सकते हैं, हम लोग कोई भी टॉयलेट में जा सकते हैं, पर वो लोग ऐसे नहीं हो सकते। उनके लिए स्पेशल विशेष टॉयलेट बनवाना चाहिए, विशेष सीढ़ियाँ बनवानी चाहिए, सड़कों मार्गों को पार करने के लिए सबवे बनवाना चाहिए, जिससे कि वो भी रोड क्रॉस कर सकें, आराम से कहीं भी जा सकें, उनको कभी किसी चीज़ की परेशानी ना हो। इनके लिए मुफ्त व्हील चेयर भी दिलवानी चाहिए और कृत्रिम अंग दिलवानी चाहिए। दोस्तों हम लोग तो खेल खेलते हैं, गाना गाते हैं, और उनका क्या होता होगा, उनके लिए भी विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित करवानी चाहिए, विशेष जो उनके रेस हो, आप लोगों ने देखी होगी रोज रेस करवाते हैं, वो होना चाहिए, सॉन्ग्स के कॉम्पिटिशन करवाने चाहिए, जिससे वो अपने आप को कभी कम ना समझें, वो समझे कि हम इनके बराबर हैं, और हमको हम लोगों को हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, जिससे कि वो कभी अपने ऊपर भगवान को दोष ना दे सकें कि हमको ऐसा बनवाया गया है, और हम अगर सम्मान करेंगे तो हमारा सम्मान करेंगे, हम लोग मिलजुल कर रह सकेंगे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने स्थिति का वर्णन किया और साथ ही कुछ सलाह भी दी कि क्या किया जा सकता है इनके लिए। एक धनात्मक संकेत है समाज के प्रति। तो अब मैं अपने छठे कप्तान को बुलाना चाहूँगा। मास्टर सचिन आए और अपनी प्रस्तुति दें। मास्टर सचिन यादव, आपके टॉपिक क्या होगा? सर, हमारा विषय है विकलांग व्यक्ति का सम्मान और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है आपने, गो अहेड। सम्मान को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन जब एक विकलांग व्यक्ति की सम्मान की बात करते हैं तो उसकी परिभाषाएं अलग हो जाती हैं, क्योंकि समाज में लोग उन्हें एक अलग दृष्टि से देखते हैं। अब जहाँ तक उसके सम्मान की बात है, उसका सम्मान तभी होगा जब हम उसे समान दृष्टि से देखेंगे, उसे समान अधिकार मिलेगा। जब हम उसके पास जाकर उसे सहानुभूति प्रकट करते हैं तो शायद हम सोचते हैं कि हम उसका सम्मान कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, यह उसके लिए दुख का कारण भी हो सकता है। जब सरकार या लोग उसे सहानुभूति प्रकट करने के लिए कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं कि ताकि उन्हें लगे कि उनका सम्मान कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, या उनके लिए एक अलग मानसिकता पैदा कर रहता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमेशा उन्हें सहानुभूति दिखाना चाहिए ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि वह दूसरों की तरह नहीं है, क्योंकि वह कई मायनों में दूसरों से अच्छा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हम महान धावक ऑस्कर पिस्टोरियस को लेते हैं तो हम पाते हैं कि आज उसका सम्मान बहुत से लोगों से अधिक हो रहा है, जबकि हम जानते हैं कि उसके दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन यह उसके इसका कारण उसका एक कार्य ही है। एक विकलांग व्यक्ति तब तक अपना सम्मान नहीं पा सकता जब तक वह ऐसा कार्य न करे कि लोगों का उसके प्रति दृष्टिकोण बदले। उसे हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। विवेकानंद के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वह ऐसा ही हो जाता है। अगर वह अपने आप को विकलांग ही समझता रह जाएगा तो वह विकलांग ही रह जाएगा, अतः उसे हमेशा अपने आप को बलवान समझना चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। तो अब नंबर आता है सातवें ग्रुप के कैप्टन का, विक्रम लाल जी। आप यहाँ आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। विक्रम लाल जी, आपका टॉपिक का नाम क्या होगा? विकलांग व्यक्ति के विकास एवं पुनर्वास में कार्य संस्थाओं को धन उपलब्ध कराने का कारण। वेरी गुड, आप अपना प्रेजेंटेशन दें। दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं जो उनकी सहायक हों उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे व्हीलचेयर, कृत्रिम वॉकिंग स्टिक, बैसाखी आदि उपलब्ध कराना चाहिए जो उनके जीवन को सरल एवं सुगम बनाती हैं। सरकार को ऐसी जनकल्याणकारी संस्थानों को धन उपलब्ध कराना चाहिए। वह व्यक्ति जो पूर्ण रूप से कोई भी कार्य कर जीविका चलाने में असमर्थ हैं उन्हें पेंशन प्रदान करके उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करते हैं। वह व्यक्ति जो कुछ कार्य करने में समर्थ हैं उनके लिए दस्तकारी एवं हस्तशिल्प कलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती हैं। इसके लिए सरकार को धन उपलब्ध कराना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ समय समय पर जांच भी करते रहना चाहिए जिससे इस धन का दुरुपयोग ना हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े नेता कल्याणकारी योजनाओं के लिए आए धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हड़प जाते हैं। इससे जो लोग इस धन को पाने के हकदार हैं वह अपने हक से वंचित रह जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपका। और इसी के साथ अब मैं कैप्टन्स को इनवाइट करूंगा कि वो यहाँ आए, और अगर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न
बाकी बच्चों के मन में उत्पन्न हो रहा है तो उसको शांत करने का प्रयत्न करें। ऑल द कैप्टन्स प्लीज कम इन कन्फर्म। तो अब हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट होता है। यस मशालुक, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या ऐसी संस्थाएं भी जो विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाती हैं? हाँ, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो कि विकलांग बच्चों को समान बच्चों के साथ पढ़ाती हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं करती, उन्हें समानता के साथ पढ़ाती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण, जैसे हमारे सामने एक उदाहरण है हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय। इसमें हर एक बैच में बच्चों जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको समान बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। विकलांग बच्चों को समान बच्चों के साथ में किस प्रकार रखा जा सकता है? विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में रखने के लिए सबसे पहले वो जिस कक्षा में बैठते हैं उन्हें अलग ना बैठाया जाए, जैसे कि कहीं कोने में या कहीं पीछे ना बैठाया जाए, और उनके रहने और पढ़ने का कमरा कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें सीढ़ी चढ़कर जाना पड़े, और उन्हें हर प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए और कुछ विशेष प्रकार की तकनीक की सुविधाएँ भी देनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के जीवन में गुणात्मकता कैसे लाई जा सकती है? विकलांग व्यक्तियों के जीवन में गुणात्मकता लाई जा सकती है, उनको जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको व्हीलचेयर उपलब्ध करवा करके, ई रिक्शा उपलब्ध करवा करके, और उनको अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवा करके, जैसे जो विकलांग हैं और उनके लिए कुछ कृत्रिम रूप से अंग लगवा करके उनके। एनी अदर क्वेश्चन? विकलांग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? जब हम लोग कोई खेल खेलते हैं या गाना गाते हैं तो विकलांग बच्चों का भी दिल करता होगा, इसलिए उनके लिए मनोरंजन के संस्थान खोलने चाहिए और विशेष प्रकार की प्रतियोगिताएं करवानी चाहिए जिससे कि उनका भी मन लगे। और जैसे कि होती, तुमने देखा होगा कि उन लोग की रेस होती है, गाने कॉम्पिटिशन होता है जिससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। विकलांगता को कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? सभी बच्चों को रोगों से बचाव के टीके लगवा कर तथा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को समय समय पर पोलियो ड्राप पिलानी चाहिए। वाहनों को सतर्कतापूर्वक चलाना चाहिए जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम हो। दुर्घटना से घायल लोगों को अस्पतालों में सही समय पर इलाज होना चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। एनी अदर क्वेरी? वेरी गुड। यस गुलफाम, क्या प्रश्न है आपका? क्या विकलांग शब्द उपयोग में लाना उचित है? क्या इससे विकलांग व्यक्तियों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? विकलांग शब्द का प्रयोग करना एकदम अनैतिक है, असामाजिक है। इससे विकलांगों को विकलांग हतोत्साहित होते हैं और उनका लेवल गिरता है। हम अगर उनको विकलांग कहते हैं तो सोचते हैं कि हम क्या ऐसा नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, इससे उनके अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें उन्हें विकलांग नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद। कोई? यस सर। यस कोई? एक छात्र के रूप में हम विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब आगे। हॉस्टल है, हमारे साथ कोई विकलांग छात्र रहता है तो उसके लिए हमें खाना पानी ला देना चाहिए, हॉस्टल से क्लास बिल्डिंग तक बुक ला देनी चाहिए। यदि हम बस से जा रहे हैं, यदि कोई विकलांग व्यक्ति बस में है उसे सीट नहीं मिली है तो उसे हमें अपनी सीट दे देनी चाहिए। हमें गाँव में बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाने के लिए उत्साहित करना चाहिए। ओके, वेरी गुड। आई होप एनी अदर क्वेश्चन इज देयर? क्या विकलांगता और नशा करने की आदत में कोई संबंध हो सकता है? आंकड़ों के आधार पर पाया गया है कि नशा करने वाला व्यक्ति नशा करने से विकलांग हो सकता है, लेकिन विकलांग व्यक्ति नशा करे यह आवश्यक नहीं। धन्यवाद। शाबाश। एनी अदर क्वेश्चन? क्या आरक्षण द्वारा नियुक्त विकलांग व्यक्ति उत्पादकता को कम नहीं करेगा? नहीं, यह विकलांग व्यक्ति की उत्पादकता को बिल्कुल भी नहीं कम करेगा और बल्कि बढ़ा देगा, क्योंकि विकलांग व्यक्ति सोचता है कि मैं कमजोर हूँ और उसे आरक्षण द्वारा किसी जगह पर नियुक्ति की जाती है तो वो सोचेगा कि मेरी नियुक्ति हुई है और वो मन लगाकर काम करेगा और उत्पादकता को बढ़ाएगा। ऐसा प्राय देखा जाता है कि विकलांग व्यक्ति में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, यानी वो अपने आप को समाज से अलग तथा कमतर समझने लगते हैं। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? इसके लिए पहले से कड़े कानून बनाए गए हैं, इनको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। इसमें जो भी भ्रष्टाचारी या बिचौलिया पकड़ा जाता है उसके ऊपर नरमी नहीं बरतनी चाहिए, उसको तुरंत से तुरंत जेल में डालना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे इसको रोका जा सकता है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब। तो आई होप कि अब सभी के प्रश्न, सभी की जिज्ञासाएं शांत हो चुकी होंगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन आंसर सेशन समाप्त होता है और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को मैं एक, जो आप लोगों ने आज किया है सारी एक्टिविटीज, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी एनालिसिस करके थोड़ा सा प्रेजेंट करूं।
सबसे पहले जो हमारा मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और समानता, ये तीन मुख्य पिलर्स हैं अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। उसमें से भी समानता शब्द बहुत ही व्यापक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन जिस प्रकार आज आप लोगों ने इस समानता शब्द का बखिया उधेड़ी है, डिटेल में रिसर्च किया है, वास्तव में इसने हर एस्पेक्ट को दिखा दिया है। समानता का संबंध ना कि सिर्फ सभी को समान कर देना है, एक कार्डियक डॉक्टर और एक मजदूर दोनों की सैलरी को समान करना समानता का मतलब नहीं है। समानता का मतलब सभी को समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, और आई होप कि आप सबके दिमाग में समानता का एक गहरा मतलब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। इसके कारण आप देख सकते हैं कि जो सो कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में निकल कर आया है, दे आर नॉट हैंडीकैप्ड, एक्चुअली दे आर एबल्ड बट इन ए डिफरेंट वे, दैट्स व्हाई दे कैन परफॉर्म बेटर, बहुत अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं। तो हमें जरूरत है इनको समान अवसर देने की, इनको समान समझने की, इन पे दया करने की हमें जरूरत नहीं है, ना ही इनके लिए दुआ करने की जरूरत है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इनको अवसर दिया जाए। अगर हम इनको समान अवसर देते हैं तो ये निश्चित है कि किसी भी प्रकार का एक जो समाज का अंग है, एक ये अंग बढ़ता जा रहा है डिफरेंट कारण से, जो आप लोगों ने अभी विश्लेषण किया किन किन कारणों से अपंगता बढ़ रही है, तो अगर हम इनको समान अवसर सुनिश्चित करें तो एक अच्छा ये जीवन जी सकते हैं, और अगर ये अच्छा जीवन जिएंगे तो निश्चित है हम सबके लिए एक राहत की बात होगी। इसी के साथ आज का ये केस स्टडी यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।